सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक नेक डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो डिजाइन तैयार करेंगे हम लेस के साथ, पाइपिंग के साथ और बटनों के साथ और सलवार का कपड़ा मैचिंग करते हुए तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बता देते हैं मटेरियल हमने कौन कौन सा लिया हुआ है। जैसे हमने पाइपिंग बनाई हुई है, डोरी वाली पाइपिंग होगी ये हमारी, जो कि सलवार के जो वर्क है उससे मैच करती होगी। एक हमने यहाँ पे लेस ली हुई है, बहुत ही प्यारी सी ये लेस होगी। ये 40 रुपये मीटर वाली लेस है और हमने टोटल यहाँ पे जो ली हुई है 1 मीटर ली हुई है। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हम ये लेस के साथ में डिजाइन तैयार करके आपको दिखाएंगे। एक हमने यहाँ पे बटन लिए हुए हैं, 5 बटन लगेंगे पाइपिंग के ऊपर। और एक हमने ये जो फैब्रिक लिया हुआ है ये हमारा बॉटम वाला फैब्रिक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कटिंग करनी होगी नेक लाइन की बुकरम में से। हमने यहाँ पे ये बुकरम ली हुई है, इसमें से सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमने बुकरम ली हुई है इसकी चौड़ाई होगी हमारी तकरीबन यहाँ पे 9.5 इंच की। ये हमने डबल की हुई है और हमें यहाँ पे एक निशान लगाना होता है जितने इंच तक हमने यहाँ पे नीचे तक लेंथ रखनी होती है बुकरम के गले की। तो हमें टोटल जैसे कमर तक रखनी है तो हम 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे ब्रॉड लेंथ का लगाएंगे, जितना भी हमें गले की ब्रॉड लेंथ रखनी है। जैसे हमें 6.5 इंच रखना है तो हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। और जो डीप लेंथ रखनी है यहाँ पे रखनी है 7.5, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। और यहीं से हम एक शेप डाल देते हैं पान शेप वाली, इस प्रकार की जो पान पत्ता होता है उस तरीके से यहाँ पे शेप डाल देते हैं। और इस निशान को नीचे तक लेके आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। इस पॉइंट तक यहाँ पे लेकर के आएंगे। अब हम बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे 1-1 इंच के ऊपर। इन निशानों को भी हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बीच से कटिंग करेंगे, इस तरीके से हल्का गैप रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। अब हम बाहर की साइड कटिंग करेंगे। बाहर की साइड हम जितना हमने मार्जिन रखा हुआ है उतना ही मार्जिन रखते हुए यहाँ पे 1 इंच का बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे, कहीं पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तरीके से हमने यहाँ पे ये कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे ये गला कट जाता है इसको हमें अब पेस्ट करना होता है सलवार वाले कपड़े के ऊपर। ये हमारे पास बॉटम वाला कपड़ा है, इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने गला यहाँ पे पेस्ट कर लिया है जो कि हमारा जो सलवार वाला फैब्रिक है उसके ऊपर। अब हमें यहाँ पे बाहर वाला जो कपड़ा होता है उसको फोल्ड करना होता है। तो पहले हम कट लगाएंगे जहां पे हमारी ये गहराई आती है और इसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। जैसे मैंने एक साइड यहाँ पे रेडी की है
तो दूसरी साइड का भी कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों साइड से यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लिया है और नीचे से भी फोल्ड कर लिया है, तो सीधी साइड हमारी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे सेंटर में कट लगाना है, जो कि सेंटर पॉइंट हमें बनाना होता है, और कमीज का जो फ्रंट होगा वो अस्तर की साइड ऊपर की साइड रखेंगे। यहाँ पे अस्तर की साइड ऊपर की साइड रखना होता है और यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट में रखेंगे नेक लाइन को। और अब हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पे सेंटर का ध्यान रखना है। तरीके से दोस्तों हमने गला अपना ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी होती है। और सेंटर में से बिल्कुल बीचों बीच कटिंग करनी होती है, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। और यहाँ पे नोक बनाते हुए दोनों साइड में कट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से कट लगाएंगे। और गले को अब हम पलट लेते हैं सीधी साइड में और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों सीधी साइड हमने इस तरीके से गला अपना तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो ये पाइपिंग ली हुई है हमने, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड ऐसे और अटैच करेंगे। डोरी वाली पाइपिंग है ये, ओरे वाली। नीचे का कपड़ा टाइट रखेंगे ताकि हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग रहे। एक साइड में दोस्तों हमने यहाँ पे पाइपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हम दूसरी साइड भी यहाँ पे पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। पाइपिंग दोस्तों दोनों साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम बंद कर लेते हैं, जैसे वो ओपन है तो इसको फिक्स कर लेंगे यहाँ पे बाहर की साइड एक किनारे की सिलाई लगाते हुए। तरीके से हमने बाहर की साइड किनारी की सिलाई कंप्लीट कर ली है।
अब हमें बीच वाला जो गैप होता है इसको बंद करना है। तो एक पट्टी लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से नीचे रखते हुए सिलाई से अटैच करेंगे। नीचे की साइड दोस्तों हमने यहाँ पे ये पट्टी लगा ली है, जितना हमें गला तैयार रखना था उतना रखते हुए अब हमें यहाँ पे लेस का काम करना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा नेक डिजाइन हमारा तभी बनेगा जब हम यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी ये लेस कंप्लीट करेंगे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। हमें यहाँ पे देखना होता है जो हमारा कटवर्क है ये यहाँ पे बीचों बीच आना चाहिए सेंटर में। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ले लेंगे फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो मजे वाली बात नहीं आती। इसको हम प्रॉपर शेप में यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और सेंटर पॉइंट में सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। सेंटर से ही हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, नीचे से ही। और यहीं से ही लेस हमारी ऐसे घूम जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही इसको लेस को बहुत ही ध्यान से लिया था कि हमें ऐसा डिजाइन बनाना है और इस डिजाइन बनाने के लिए हमें कौन सी लेस ज्यादा सूट करेगी। अब हम इस साइड में घुमाएंगे, यहाँ पे भी बराबर बराबर मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई जो है आराम से गोलाई में घूम जाएगी। तरीके से हमने एक साइड में यहाँ पे लेस अपनी कंप्लीट की है। बाहर की साइड भी हम कटवर्क में सिलाई लगाते हैं, तो इससे पहले बाहर की साइड सिलाई लगाएं तो पहले इस साइड को भी हम सेम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने पूरी लेस यहाँ पे अटैच कर ली है और बाहर की साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई से क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही प्यारी से हमने लेस लगाते हुए और पैच वर्क जो है अपना कपड़े का, बॉटम वाले कपड़े का किया है यहाँ पे, और सेंटर में पाइपिंग लगाई है और पाइपिंग के ऊपर बटन लगाए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम खर्च में बहुत ही प्यारी सी कुर्ती का नेक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।